अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। हमारी आज की वीडियो विंटर स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, ईजी और सिंपल रेसिपी शेयर करने वाले हैं फिश फ्राई की। इसके लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो आपको घर पर ही मिल जाएंगी, कोई अलहदा से आपको चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी चीज़ों के साथ जो घर पे अवेलेबल होती है उनसे आप ये बना लेंगे। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ये बिल्कुल फ्री होता है। इससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाती है, आप हमारी वीडियोज़ को इन्जॉय कर पाते हैं टाइमली। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये रेसिपी हमने कैसे बनाई। सो गाइस, फिश फ्राई बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनमें सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फ़िश, मैंने 2 किलो फ़िश ली है और बोनलेस ली है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें हमारे पास 2 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्ची, 2 टीस्पून के करीब ही है हमारे पास यहाँ पे मेथी, 2 टीस्पून के करीब ही हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं खुश्क धनिया। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, सेम क्वान्टिटी में हमारे पास गर्म मसाला और लाल मिर्ची पाउडर है। साथ में हम लोग ने 1 टीस्पून ही हम लोग ने लिया यहाँ पे नमक, 1 टीस्पून ही है हमारे पास हल्दी और 1 टीस्पून ही हम लोग यहाँ पे ज़ीरा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 3 टीस्पून के करीब अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट। उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वह हमारे पास 8 से 10 लीमुओं का रस, तो हमें 8 से 10 लेमन का जो है ना वो रस चाहिए। अब हम इन सब चीज़ों को फिश के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर ये मैरिनेट होगी उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आप इसको ज़रूर मैरिनेट करने के लिए रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसमें लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे लेमन जूस ऐड हो गया है। उसके बाद हम लोग इसमें ड्राई मसाले बाकी सारे के ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करती चलूँ कि मैंने फिश को पहले अजवाइन और लेमन जूस लगाकर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया था, फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम लोग इसको मैरिनेट कर रहे हैं। तो लेमन जूस ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्ची का जो पेस्ट बना के हमने पहले से रखा हुआ था वो ऐड कर दिया। उसके बाद जो भी हमारे पास ड्राई मसाले हैं वो सारे ऐड कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, और फिर हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम लोग फिर इसको फ्राई करेंगे। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन हल्के हाथ से मिक्स करना है। तो जब तक हम लोग सारे ड्राई मसालों को और बाकी की चीज़ों को फ़िश के साथ अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, आप तब तक फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो इसकी मैरिनेशन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि उसमें होता है कि सारा जो टेस्ट होता है मसालों का वो फिश के अंदर जाता है, इसलिए उसको हमें 3 से 4 घंटे के लिए ही मैरिनेट होने के लिए रखना है। बाकी आप स्पाइसेस अपनी पसंद के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक मिर्ची की जो क्वांटिटी है वो आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक की क्वान्टिटी भी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको हमने मसाले अच्छे से लगा दिए, अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैं इसे फ्रिज में रखूँगी बिकॉज हमारे यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है, तो यहाँ पर इसके ख़राब होने का खतरा है। अगर आपके ठंड है और इससे ख़राब होने का खतरा नहीं है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। तो मैं इसको फ्रिज में रख के अभी 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं फिश को मैरिनेट हुए हुए, अब हम इसको फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को पहले से ही रख दिया गर्म होने के लिए। हमें बहुत ही अच्छा सा तेल गर्म चाहिए, क्योंकि अगर ठंडे तेल में हम डालेंगे तो फिश अच्छे से फ्राई नहीं होगी। तो पहले हम लोग अच्छे से तेल को गर्म करेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें फ़िश फ्राई करेंगे। तो अब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं बबल्स आ रहे हैं। तो अब हम फिश को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन वाला जो स्टेप है वो स्किप किया, क्योंकि हमारे वो नहीं खाते हैं, हमारे वो किसी को पसंद नहीं है। तो आप चाहें तो यहाँ पर बेसन ले कर उसके अंदर इसको डिप करके वो भी आप वैसे भी फ्राई कर सकते हैं, वैसे भी अच्छी बनती है। अगर आपको वो चीज़ पसंद है तो आप वो कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप भी वो स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम लोग वेट करेंगे कि जो हमने फिश ऐड किया वो अच्छे से फ्राई हो जाए, उसके बाद हम लोग इसे निकालेंगे और फिर देखेंगे इसकी फाइनल लुक। और ये बहुत ही मज़े की फ़िश रेडी होने वाली है, ख़ासतौर पे सर्दियों में तो इसका अलग ही मज़ा है ना, तो ये बहुत ही मज़े की रेडी होती है। आप भी ज़रूर ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ़िश बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक।
तो जी ये है फाइनल लुक हमारी फिश फ्राई की। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फ्राई हुई है, कितना अच्छे इसको गोल्डन कलर आया है। तो उम्मीद करते हैं हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।